हेलो दोस्तों, मूवी अनफैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराज धीरेंद्र शास्त्री की जीवन के बारे में। सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां बतौर चुके महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम आजकल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेंद्र शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी काफी प्रचलित है। हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री पर नागपुर में अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद से उनके पक्ष और विपक्ष में कई लोग अपनी बात रख चुके हैं। महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कौन है? आज के लेख में हम आपको बागेश्वर धाम सरकार से मशहूर महाराज धीरेंद्र कृष्ण का जीवन परिचय देने जा रहे हैं। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। धीरेंद्र कृष्णा देश भर में अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं, तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है। बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है। धीरेंद्र जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। इसी प्रकार से कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाते हैं। देश विदेश से बहुत संख्या में लोग इनके दर्शन के लिए हर रोज आते हैं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है, बागेश्वर धाम स्थित है। गढ़ा गांव धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेंद्र शास्त्री जी के दादाजी ने बागेश्वर धाम, जो कि वर्तमान समय में काफी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेंद्र शास्त्री जी के पिता रामकृपाल गर्ग कोई कार्य नहीं करते थे, वह नशे के आदि थे। परिवार में इनकी माताजी सरोज गर्ग एक गृहिणी है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग है, जो कि स्वयं भी बागेश्वर धाम को समर्पित है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के ही किसी सरकारी स्कूल से पूरी की थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, किस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई है। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी के पिता श्री राम करपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग है। इनके दादाजी श्री भगवान दास गर्ग है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और एक बहन रीता गर्ग है, और अभी शास्त्री जी का विवाह नहीं हुआ है। बालाजी बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई अपने ही गांव गढ़ा छतरपुर एमपी के सरकारी स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद इन्होंने बी.ए. में स्नातक किया।
धीरेंद्र शास्त्री जी ने अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से रामकथा सीखी थी, वह अपने दादाजी को ही अपना गुरु भी मानते हैं। देश में बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लोग बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर वर्षों पुराना है। इस मंदिर में धीरेंद्र शास्त्री जी की पिछली 3 से 4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुकी है। इनके दादाजी भगवान दास गर्ग ने हनुमान मंदिर बागेश्वर धाम का पुनर्निर्माण करवाया था। साल 2003 से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी इस दिव्य दरबार की देखरेख कर रहे हैं। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी, तब से ही इन पर बालाजी का आशीर्वाद बना हुआ है। करीबन 300 साल पहले मानव कल्याण और जनसेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। धीरेंद्र शास्त्री जी द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। अपने गुरु समान दादाजी भगवान दास गर्ग के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला। बागेश्वर धाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके धीरेंद्र शास्त्री पर बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा है। इनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है उसकी समस्या का समाधान बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कर लिए जाता है। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ती है। कुछ सूत्रों के अनुसार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मासिक आय 3.5 से 4 लाख रुपए है। इनकी नेटवर्थ 19.5 करोड़ है। इनका अपना एक YouTube चैनल भी है। इनकी बागेश्वर धाम की वेबसाइट bageshwardham.co.in भी है, जिस पर जाकर आप बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। 2022 में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप। इन दिनों बागेश्वर धाम या बालाजी सरकार श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर इन दिनों नागपुर में अंधविश्वास को फैलाने का आरोप लगाया लगा है। संत अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है।